दोस्तों नमस्कार आदाब सत श्रीकाल न्यूज क्लिक के कार्यक्रम न्यूज मंथन के साथ मैं उर्मिलेश आज एक बड़ा सवाल उठा है दोस्तों कल जो भी फैसला हुआ भारत की संसद के लोकसभा में लोकसभा ने कल आधे घंटे की चर्चा के बाद एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में तृणमूल कांग्रेस की सांसद कृष्णानगर की सांसद महुआ मोहित्रा बेहद चर्चित सांसद उनकी सदस्यता को खत्म कर दिया बहस आधे घंटे की चर्चा हो हुई और लोकसभा ने ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित कर दिया एथिक्स कमेटी ने उनको गुनाहगार पाया था और मेजॉरिटी से यह फैसला एथिक्स कमेटी में हुआ जैसा माना जाता है और रिपोर्ट जो पेश की गई उस रिपोर्ट में ये रिकमेंडेशंस थे कि उनकी सदस्यता खत्म की जानी चाहिए और साथ में ये भी था कि उनके खिलाफ जांच आगे के लिए बैठाई जानी चाहिए क्या आपराधिक मामला है क्योंकि राष्ट्रीय अखंडता एकता का प्रश्न है एक्सेस देना लॉगिन को और पासवर्ड इत्यादि को अब महुआ महित्रा ने बाहर निकलकर विपक्ष के तमाम सांसदों के बीच यह साफ तौर पे कहा कि यह न्याय उनके साथ नहीं हुआ है और अन्याय के खिलाफ वो लड़ेंगी यही नहीं कि केवल महुआ मोइत्रा ने कहा कांग्रेस की वरिष्ठतम नेता पूर्व अध्यक्ष पार्टी की सोनिया गांधी इसके अलावा विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर उनके पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर सब ने एक स्वर से महुआ मोहित्रा के निष्कासन के खिलाफ अभियान चलाने की आवश्यकता पर जोर दिया हम देख रहे थे कि अभी सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचूरी हों या कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में नेता अधीर रंजन चौधरी हों, जो अक्सर तृणमूल कांग्रेस पर आलोचनात्मक टिप्पणियां करने के लिए मशहूर रहे हैं अधीर रंजन चौधरी इन सब लोगों ने महुआ मोहित्रा का न केवल समर्थन किया है बल्कि जिस तरह से उनकी सदस्यता को खत्म किया गया है उसे पूरी तरह खारिज किया है ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या विपक्ष जो काफी इस समय निराश नजर आता है खासकर पांच राज्यों के चुनाव के असेंबली चुनाव के बाद जो एक माहौल पैदा हुआ है क्योंकि मध्य प्रदेश राजस्थान और छत्तीसगढ़ तीनों जगह जो मुख्य अपोजिशन पार्टी कांग्रेस है उसकी हार हुई और इस हार ने समूचे विपक्ष को निराशा में एक मायूसी में जरूर डाला है इंडिया एलायस के जो घटक हैं उनके बीच जिस तरह की चर्चा चल रही है उससे भी लगता है कि पांच राज्यों में तीन राज्यों की चुनावी हार से बेहद उसका इंपैक्ट पड़ा है उसका असर पड़ा है लोग आपस में एक दूसरे की आलोचना करने लगे हैं तो इस निराशा और मायूसी के माहौल में क्या महुआ मोहित्रा के खिलाफ जो कदम उठाया गया है सत्ताधारी खेमे की पहल पर क्योंकि हम सब जानते हैं कि निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं उन्हीं की शिकायत के बाद यह पूरी की पूरी प्रक्रिया चली और एथिक्स कमेटी में साफ विभाजन दिखा यह कोई कहने वाली बात नहीं है लोगों ने अपनी आंखों से देखा टेलीविजन चैनलों पर लोगों को बयान देते देखा गया कि कमेटी के सदस्य ही कमेटी के खिलाफ बोल रहे हैं और कमेटी के सदस्य के खिलाफ बोल रहे हैं तो ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या आज की तारीख में यह मुद्दा कि जिस तरह एक मेंबर की सदस्यता ली गई और वो भी बेहद मुखर मेंबर की और एक ऐसी मेंबर जो लगातार सत्ताधारी दल के बेहद पसंदीदा कारपोरेट हाउस एक खास कारपोरेट हाउस उसके खिलाफ जो लगातार बोलती रही हैं इसके अलावा वो प्रधानमंत्री और देश की जो सत्ताधारी पार्टी है उसकी तमाम नीतियों की धज्जियां उड़ाती रही हैं, वो कॉर्पोरेट और सरकार के आपसी जो रिश्ते हैं उसकी बकिया उदेड़ती रही हैं। तो ऐसे में एक सवाल है ये बड़ा सवाल कि क्या विपक्ष के लिए इससे एक नया प्रस्थान बिंदु मिलता है क्या विपक्ष महुआ मोहित्रा के सवाल पर उनकी संस्था के खात्मे के सवाल पर एकजुटता का एक नया आधार खोज रहा है दोस्तों ये अगले कुछ दिन में जरूर पता चलेगा संभवतः सत्रह तारीख को इंडिया एलायंस की बैठक है उसके पहले भी हो सकता है कि विपक्षी सांसदों के बीच में विपक्ष के नेताओं के बीच में पॉलिटिकल पार्टीज के जो चीफ हैं जो उनके प्रमुख लोग हैं उनके बीच में हो सकता है कि कोई और मीटिंग भी हो तो अगर इंडिया एलायंस इस मुद्दे को राजनीतिक तौर पे बढ़ाता है आगे तो निश्चित रूप से एक दलबंदी या गोलबंदी का उसके लिए आधार मिलेगा दो ऑप्शन खुलते हैं महुआ मित्रा के लिए एक तो राजनीतिक तौर पे इस मसले को लड़ना सिर्फ कृष्णानगर की जनता के बीच नहीं बल्कि समूचे देश में और दूसरा कोर्ट में जाना जनता की अदालत भी है और न्यायिक अदालत भी है ये महुआ मित्रा पर निर्भर करता है कि वो कौन सा रास्ता चुनती है लेकिन जो राजनीतिक दल हैं उनके लिए तो निश्चित रूप से यह राजनीतिक लड़ाई है यह देखने की बात है कि विपक्ष इस मुद्दे पर कैसे आगे बढ़ता है और क्या इंडिया अलायंस इस मसले को भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के तौर पर पे पेश करता है क्योंकि यह सिर्फ पार्लियामेंट का मसला नहीं है यह राजनीतिक मसला है और यह पार्लियामेंट के बाहर ही इसको लड़ा जा सकता है मोबा मोत्रा बार बार कह रही हैं कि वो इसको छोड़ेंगी नहीं दम और वो तनाशाही से नहीं डरती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी उम्र केवल उनचास साल है अगले तीस साल तक वो भारतीय जनता पार्टी के जुल्म के खिलाफ लड़ती रहेंगी अब देखना है कि विपक्ष उनके इस वक्तव्य को कैसे लेता है और वो स्वयं अपनी भूमिका कैसे तय करता है तो आज दोस्तों इतना ही नमस्कार आदाब सत श्रीकाल